दूध का दूध पानी का पानी, दिल को लगे उसको जाके यार मेरा तो कसूर नहीं है। फिरोज फॉलोज दैट, छोटे छोटे शॉट्स एपिक, व्हाई आर यू डूइंग दिस, नहीं मजा आया, जबरदस्ती शादी हुई होगी, हमने कभी ना वीक नहीं फील होने देना। कुछ हीरोज होते हैं शौक नहीं होगा, मैं डरूंगा नहीं, शुरू में बड़ा लॉजिक था। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट एपिसोड देखी, मेरा जो टेक्निकल एस्पेक्ट से कहूंगा मैं, स्टोरी तो अपनी जगह है यार, बहुत लंबे लंबे मोन्टाजेस हैं। वो जो एक डेकोरेशन का मोन्टाज था, इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दैट म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक क्या कर रहा है, छोटे छोटे शॉट्स पे एपिक एवेंजर्स का म्यूजिक लगा, व्हाई आर यू डूइंग दिस। अच्छा एक तो मुझे लगता है जस्ट टू एलिवेट द फीलिंग ऑफ द ड्रामा, हमारे म्यूजिशियंस को सलूट है कि वो एवेंजर्स का म्यूजिक, स्पाइडरमैन का म्यूजिक टाइप कर रहे हैं, मतलब घर का शॉट है भाई, बड़ांग डुडुम हो रही है, नहीं समझ आया। देन दैट लेंथ ऑफ अगेन जो मरीना जी ने कहा फ्लैशबैक, अच्छा सेम फ्लैशबैक लग रहा है, नहीं मजा आया इस एपिसोड। फ्लैशबैक भी अभी जो 15 मिनट पहले सीन गुजरा है उसका, उसी का गुजरा। अच्छा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कुछ फ्लैशबैक्स लगाने भी है ना, तो हमें अब ड्रामों में ये करना चाहिए कि हम एक अलग एंगल से भी शूट किया करें फ्लैशबैक को। वो जो सीन ओटीएस था वो ओटीएस में ही फ्लैशबैक क्यों चल रहा है भाई, एक और एंगल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लो, उसी चीज को रिपीट करवाओगे तो जब आप फ्लैशबैक दिखाओगे तो लोगों को एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट नजर आए, भले बात वही हो रही है। तो कुमार एट दिस स्टेज जहां पर है, मैं उसके बारे में बस ये कहूंगा कि एक मिनट ढूंढ लूं जरा, आप मुझे बताएं कि जैसे कहते हैं कि शायर इस शेर में ये कहना चाहता है तो इजाज उस लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत खतरनाक सी हैं, बी केयरफुल, और वो जो असल एक चुड़ैल घर में मौजूद थी उसके बारे में क्यों नहीं बताया, नहीं बताया। अब देखिए मुझे लगता है ये डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ना डायरेक्टर की तरफ से भी आती है, कभी कभी राइटर ने लिख दी होती है चीज़ और डायरेक्टर उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा होता। क्योंकि मैंने जब ये बात सुनी कि उसने कहा ना कि मेरी शादी फिर इससे ज़बरदस्ती करवाई गई, तो देखें जब एक इतना सोबर लड़का, ज़ाहिर एजाज को अगर चले जाएं आप 10 साल पहले शादी हुई होगी तब भी एक बड़ा सोबर, बड़ा एक कंट्रोल्ड, इस तरह के बच्चे अपने माँ बाप से रीजनिंग करते और वो बैठ के बात करते हैं, अनलेस हिना बयात उनकी वालदा ना होती कि मतलब एक जरा यू नो स्ट्रॉन्ग और उस तरह की, जिस तरह का आपने कैरेक्टर दिखाया है वो तो डिफाइन नहीं करता इस बात को कि जी जबरदस्ती शादी हुई होगी, ठीक है, और आपने जो है वो सर झुका के शादी कर ली, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह थी कि आपने उसको माँ के बारे में बता दिया, वो डराया आपने डराया और उसके बाद बीवी के बारे में आपने नहीं बताया। अच्छा ये या तो कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट लाना चाह रहे थे, अच्छा उससे ये हुआ कि जो ने पहले बिल्ट अप किया ना कि माँ ऐसी होगी, तो मुझे तो था क्योंकि बड़ी मजे की अम्मी, वो खतरनाक सी माँ आने वाली है, हाँ। वो नीलम को कुछ सुनाएंगी और ये करेंगी, वो तो इतनी स्वीट, वो तो इतनी स्वीट, यस। अच्छा उनके डायलॉग भी बड़े स्वीट, मजे के डायलॉग थे उन्होंने तो आके, और सॉरी मैंने जो चुड़ैल का कहा वो मैंने नहीं कहा था, उस ड्रामे में वो कहती है कि वो चुड़ैल जो है तो वो उधर से रेफरेंस है, तो हां मैंने यही कहा ना कि वो चुड़ैल का, तो एक चीज तो मुझे थोड़ी सी तरह जा रहे इस ट्रैक में आके, अच्छा अभी नहीं पता इसने ट्रैक में हो सकता है डिफाइन होना हो आगे जाके, ठीक है। मुझे थोड़ा लेजी, बहुत लेजी लगा ये एपिसोड ऑनेस्टली, बीच बहुत गैप्स थे, लंबे लंबे उतरना, ये सुपरमार्केट का शॉट का म्यूजिक चले जा रहा है, तो बॉस इट्स ए 5 दूध का दूध पानी का पानी। देखें हम जो पिछली दो डिपार्टमेंट्स को भी डिस्कस किया ना, मुझे लगता है उसी को मैं रिपीट करूँगा कि ये अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब आपसे प्रोडक्शन हाउस कहता है कि जी आप इतने एपिसोड पे ख़त्म नहीं करेंगे, आप इसको बढ़ाएं, तो वो बेचारा बीच में टेक्निक्स निकालता है एडिट पे बैठ के, शूट पे तो जो होता है वो होता है, एडिट पे यू प्रोलॉन्ग स्टफ एंड ये वो। अब ये मजबूरी डायरेक्टर की है कि प्रोडक्शन हाउस की है, चैनल की है, तो आई कैन नॉट से, मैं नहीं कहना चाहता, मैं भी डायरेक्टर हूँ, अब किसी डायरेक्टर को मैं अच्छा बुरा कहूँ और वो दिल को लगे उसको जाके यार मेरा तो कसूर नहीं है। इवन मैं कहूँगा इन दोनों के साथ मैं बैठा हूँ, देयर लेजेंड्स अपने वक्तों में, मरीना जी, प्रवीना जी, मैंने कहा सीढ़ी देखा था, आई वाज लिटिल सीढ़ी, मैं बहुत छोटा, कैसे तुम्हें याद है, और मैं इटली में था, सोचें आप, मतलब मुझे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में नहीं पता था, तो वी हैड लाइक यू नो सम काइंड ऑफ VHS और समथिंग, मैं जस्ट सेट देयर टू वॉच हर एंड वारसी भाई, हाँ, गधा गाड़ी वाले, exactly. And then दूसरी तरफ सलमान शाहिद थे, which was like a more, you know, elegant, थोड़ा पैसे वाले थे, और वो इन पे मुस्तकिल डोरे डाल रहे थे कि किस तरह हो जाए, और वो भी यार मैं इतना सा था, एंड यू नो देयर परफॉर्मेंसेस, द कटिंग, द एडिट, आज मैं समझता हूँ मुझे एंगेज करता हूँ, मरीना जी के जो प्लेस एडिट,
कहीं किसी एक्सप्रेशन को लेंथ ही नहीं किया, जितना चाहिए उतना. आज मुझे कभी कभी ये ना ये खौफ आता है देख करके, यार ये जो अननेसेसरी हम ये चीज कर रहे हैं ना, 5 एपिसोड 3 एपिसोड एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए, तो आई डोंट नो उसमें डायरेक्टर भी फेस करता है इन चीजों को, और ये पता ही नहीं चलता कि क्या डायरेक्टर की चॉइस है के या प्रोडक्शन हाउस की चॉइस है. तो बाबा फॉर मी आई एम अ सिनेमाटोग्राफर एंड मेरे लिए विजुअली देयर इज नथिंग टू बी इंप्रेस्ड इन खुमार. मरीना जी ने कहा है इट्स एन इमोशनल प्ले, इमोशंस पे ज्यादा फोकस है. कहीं कहीं मुझे उसका विजुअल नहीं पसंद, बहुत फ्लैट है, बहुत ही फ्लैट है. लाइटिंग वाइटिंग भी बहुत फ्लैट है उसकी. तो आई विल गिव इट अ 4. जी नीलम अच्छी एक्ट्रेस है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. लेयर नहीं है इस रोल में कोई, देयर इज नो लेयर. यू इट इज नॉट कन्विंसिंग मी कि ये, मतलब जब आप देखें, अब आप ड्रामे में जब कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वो जो मेक बिलीव वाला एक लेवल होता है ना, उसके थोड़े से फिर थोड़ा सा आपको अंदर जाना पड़ता है कैरेक्टर को लेके या फिर राइटिंग को लेके. तो मुझे लगता है कि वो जो इतनी अच्छी है और इतनी पाक साफ है सब कुछ है ना, वो फीलिंग नहीं आ रही सिर्फ दुपट्टा सर पे ले लेने से. मुझे वो लेयर नहीं फील हुई. अच्छा मैं ज़रा लेयर वाला आदमी हूँ, आप मुझे 50,000 सीधे सीधी चीज़ें दिखाएंगे मैं उनकी तारीफ भी नहीं कर सकता, बिकॉज ये तो मेथड्स हैं जो रिपीट पे लगे हुए. मासूम लड़की है, उसने स्लो रहना है, यूं होना है, कोई लेयर नज़र नहीं आई मुझे. अच्छी लड़कियाँ हर लेवल की होती हैं, ज़रूरी नहीं होती कि जो बहुत आराम से बात करती हैं वो अच्छी लड़कियाँ. तेज बोलने वाली भी, तेज चलने वाली भी, बिल्कुल अच्छी खवातीन होती हैं. तो वो मुझे लगा बड़ा एक मेथड है कि बस उस मेथड में डाल दें और बस वो कर देना है. उससे मुझे लगता है कि कभी कभी हम डिस्क्रिमिनेशन की तरफ भी जा रहे होते हैं कि हम खवातीन, समझ रहे हैं कि मतलब जो लड़कियां ऐसी नहीं होंगी वो अच्छी नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए. बट ठीक है, ये लड़कियां अच्छी नहीं, थोड़ी सी सुन लड़कियां लगती हैं मुझे. हाँ, थोड़ी सुन चल रही है, ये सुन है, है ना, थोड़ा सा आप थोड़ा सुन लगती है, सुन मतलब. हाँ, करेक्टर थोड़ा सुन है मतलब उस. तो उसमें जाहिर नीलम को अगेन मैंने इंट्रोड्यूस कराया एंड मैं उसको बड़ा मिस. यस, व्हिच प्ले वाज दैट? दिस वाज हम टीवी का एक हॉरर प्ले था. शी वाज 14 बाय देन. और इसने जब पहली दफा किया था, मैं इसके मम्मी को बुला के कहा था, मैंने कहा तुम छोड़ना नहीं है ड्रामा, कहती मुझे स्टडीज करनी है. मैंने कहा करती रहना, बट तुम बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देती हो. डरने के एक्सप्रेशन थे इसके कि फैमिली में कोई गांव के अंदर कोई इसके साथ कुछ असॉल्ट हो जाता है. तो शी डिड अ ग्रेट जॉब एंड नीलम बहुत ग्लैमरस है एवरीथिंग, बट अगेन लेयर नहीं है. तो उस लेयर को मैं महसूस नहीं कर पाता नीलम के रोल में. तो 6 मुकर्रम, देखो एक फार्मूला है जो बड़े अरसे से फॉलो किया जा रहा है और वो कुछ एक्टर्स उसको उस पर बिलीव करते हैं. कुछ एक्टर्स, कुछ हीरोज़ होते हैं जिनके बारे में जिन्होंने ये फार्मूला बना लिया कि हमने कभी ना वीक नहीं फील होने देना अपने आप को एनी स्क्रिप्ट अनलेस यू डू नॉट चूज समथिंग टू बी लाइक दैट. वीकनेस जो है ना वो फेस पे नहीं आनी चाहिए. ये फार्मूला है कुछ हीरोज़ का जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि यार शॉक नहीं देना है, डरने का एक्सप्रेशन नहीं देना है, घबराने का बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस एक स्टैटिक लुक दे दो उसमें, लेट दी ऑडियंस ट्रांसलेट दैट हाउ आई एम फीलिंग. फिरोज फॉलोज दैट, मैंने अभी उसके साथ काढ़ा किया, ही डज नॉट गेट शॉक्ड. कभी आपको होना होता है ना, यू गिव अ शॉकिंग मोमेंट. कुछ हीरोज़ होते हैं जो शॉक नहीं होना चाहते, वो फील करते हैं कि वो मैं अपने स्टैचर से मेरी ऑडियंस जो है मुझे हमेशा स्ट्रांग देखना चाहती है, ठीक है, तो मैं शॉक नहीं होऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं परेशान तो मीनिंग जोकर कोई नहीं बन सकता इनमें से. हाँ, प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टर जोकर समझ लेना, वो जो वीकनेस कोई नहीं बन सकता. वो देखें ये इमोशनल वीकनेसेस ही हैं जो हम कह रहे हैं कि आपको ट्रांसलेट करनी है, आपकी आंखों में आ जाती है वो चीज. लेकिन कुछ एक्टर्स हैं जो दे ऑटो ट्रांसलेट दैट थिंग इन अ स्टैटिक फेस. ऐसे हो जाए और आप देखते रहे, म्यूजिक विल चल रहा है, वो बता रहा है कि ये परेशान है. यू आर नॉट परेशान, आई एम नॉट अगेंस्ट हिज एक्टिंग, बट इट्स वर्किंग फॉर हिम. और बहुत सारी जगहों पर अखाड़ा में भी मेरे साथ ये होता था कि मैं फील करता था कि यार यहाँ थोड़ी सी ना वीकनेस फेस पे होनी चाहिए. So he refused. He said no, मैं यहाँ नहीं दिखाना चाहता ये चीज़. I said okay, fine, go ahead. ठीक है. तो मुझे बाद में समझ में आई, मैंने ट्रांसलेट किया कि यार मैं और भी कैरेक्टर से मिला हूँ जो मुझे कहते थे यार शमून समझ नहीं रहा, हमने ना वीक फील ही नहीं कराना. मैंने कहा द स्क्रिप्ट सेज दैट, नो प्रॉब्लम.
क्योंकि अगर आप करेक्टर को समझ से करते हैं और जो स्पेशली उस वाले सीन में आ रहा है कि आप आपकी जिंदगी में सब चीजें उलट चुकी हैं, आपकी शादी, आपका बाप बीमार है, आपका भाई छोड़ के जा रहा है, बहन की शादी सर पे है, जो भी है, मतलब आपको बहुत मैं चाहते हैं परेशान लग रहा हो, वो परेशानी नहीं थी, वो माँ के पास भी आ रहा था, बैठ रहा है, अच्छा या, वो मतलब वो एक लेयर में से कोई भी ऐसी खुदा ना खासा ऐसी सिचुएशन से गुजरे जिससे फरोज गुजर रहा है, हमारी हवाइयां उड़ी हुई होंगी, हम लाइक क्या मेरी जिंदगी को क्या हो गया। नंबर्स नंबर्स मैं फिरोज को, फिरोज यू नो डज हिज गुड जॉब, आई थिंक 7 7 7 वेरी गुड जॉब।